नमस्ते दोस्तों, आज हम बनाएंगे आलू शिमला मिर्च की सब्जी। ये खाने में बहुत स्वाद लगती है। आज हम इसे कुछ अलग तरीके से बनाएंगे। चलिए शुरू करते हैं आलू शिमला मिर्च बनाने। हमने तेल पहले से ही गर्म कर लिया है, तो हम इसमें डालेंगे एक चुटकी हींग, आधा चम्मच जीरा, कुछ कड़ी लीव्स, अदरक हरी मिर्च हमने इसको बारीक चॉप की है, एक कटोरी प्याज, प्याज को भुनेंगे, देखिए हमारे प्याज भुन चुके हैं। डालेंगे एक कटोरी टमाटर जो हमने पहले से धनिया पाउडर, आधा चम्मच हल्दी, कश्मीरी मिर्च, आधा चम्मच गरम मसाला, आधा चम्मच कसूरी मेथी, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग दे सकते हैं। मसाले को अच्छे से भूनेंगे। इसे 5 मिनट तक हमें ऐसे ही भूनना है। देखिए हमारा मसाला भूनकर तैयार हो चुका है। इसमें हम डालेंगे अब शिमला मिर्च कटी हुई, अच्छे से मिक्स करेंगे। एक से 1.5 मिनट इसको ऐसे ही मसाले में अच्छे से मिक्स करेंगे। गैस को मंदा ही रखेंगे। इससे हमारे शिमला मिर्च अच्छे से मिक्स हो गए हैं। अब इसमें हम डालेंगे 4 आलू, ये हमने पहले से ही बॉईल करके तो इसमें इसके टुकड़े कर लिए हैं आलू के, ये हम इसमें ऐड करेंगे। इनको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमारे अच्छे से मिक्स हो गए हैं, जिसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, डालेंगे ताकि इसके मसाले अच्छे से हमारे आलू और शिमला मिर्च को अच्छे से मिक्स हो जाए। इसे एक बार हम चलाते हुए इसे ढककर 5 मिनट के लिए पकाएंगे। हमारी सब्जी बनकर तैयार हो चुकी है। अब हम इसमें हरा धनिया डालेंगे। और इसको मिक्स कर लेंगे। अब इसे सर्व करेंगे।